ये देखिए, ये भी अच्छे से मूव हो रहा है, इसका मतलब ये दूसरी साइड से भी सीख गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी ब्रेकफास्ट रेसिपी जिसको सभी शौक से खाएंगे। यह सूजी से बनने वाला स्वादिष्ट इंस्टेंट वेज उत्पम है। इसमें हम वेजिटेबल का यूज करेंगे ताकि ये अच्छा और हेल्दी बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप इसे Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इंस्टेंट वेज उत्पम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप सूजी। सबसे पहले इसको मिक्सिंग बाउल में डालेंगे और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दही ऐड करूंगी। दही हमें एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, ये गाढ़ा घोल बनकर तैयार हो गया है। इस तरह का गाढ़ा घोल हमें चाहिए होगा। इसको घोलने में लगभग 3/4 कप जितना दही लगा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक अभी हम पूरा नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा ही डाल रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं इसको ढक के लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। लगभग 20 मिनट हो गए हैं, हम मिक्स को चेक कर लेते हैं। ये मिक्स मेरे को थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें अभी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ही हमें ऐड करना है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ी सी लाल मिर्ची। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये एक स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। उत्पम बनाने के लिए मैं आज तवे का यूज कर रही हूं। इसको सबसे पहले हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब जो हमने सूजी का बैटर बनाया था वो इसके ऊपर डालेंगे। ये हमें थोड़ा गाढ़ा ही डालना है, उत्पम थोड़ा थिक होना चाहिए। ये थिक बैटर मैंने फैला लिया है। अब इसके ऊपर हम कुछ वेजिटेबल डालेंगे। ये मैं थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्ची डाल रही हूँ, साथ में डालूंगी थोड़े से कॉर्न। और साथ में थोड़े से लंबे कटे हुए प्याज। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। ध्यान रखिएगा हम नमक पहले भी डाल चुके हैं। साथ में डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसको एक पलटे से हम इस तरह से दबाकर प्रेस कर देंगे। अगर हम ये प्रेस नहीं करेंगे तो जब हम टर्न करेंगे तो सारी वेजिटेबल्स बाहर निकल जाएगी। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब इसको नीचे की साइड से सिकने देंगे, उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरह से आराम से मूव हो रहा है, मतलब ये नीचे से पक गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको टर्न करेंगे। ये देखिए एक साइड से बहुत ही अच्छा सिक गया है। अब लो फ्लेम पे हम इसको दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि वेजिटेबल्स बाहर ना आए। ये देखिए ये भी अच्छे से मूव हो रहा है, इसका मतलब ये दूसरी साइड से भी सिक गया है। अब हम इसको टर्न करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी सिक गया है, लेकिन इसको अभी हम दोनों साइड से गोल्डन होने तक थोड़ा और सेकेंगे। अब इसको हम वेजिटेबल वाली साइड से चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से गोल्डन हुआ है कि नहीं। ये देखिए ये अच्छे से गोल्डन हो गया है और वेजिटेबल भी कुक हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए गोल के भी हम उत्पम बना के तैयार कर लेंगे। ये उत्पम मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। इसको आप सॉस, चटनी, चाय किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर बने हैं और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और यदि आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।